वीडियोम क्लास 6 संस्कृत दिव्यम चैप्टर नंबर 4 के अभ्यास को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिया को संस्कृत भाषा में डैश कहते हैं। तो इसका आंसर है ग वाला, धातु। फिर सेकंड वाला है, धातुएं डैश प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर है ख वाला, दो। थर्ड वाला है, कर्ता के डैश परिवर्तन से धातु रूप का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर है ग वाला, लिंग। फोर्थ वाला है, पा धातु का परिवर्तित रूप डैश है। तो इसका आंसर है ग वाला, पिब। सेकंड वाला है, धातुओं के साथ उनके हिंदी अर्थ को मिलाइए। पहला वाला है हस, तो इसका हो जाएगा हंसना। सेकंड वाला है नम, तो इसका हो जाएगा नमस्कार करना। थर्ड वाला है दृश्य यानी पश्य, तो इसका हो जाएगा देखना। फोर्थ वाला है नृत्य, तो इसका हो जाएगा नाचना। फिफ्थ वाला है पथ, तो इसका हो जाएगा गिरना। थर्ड वाला क्वेश्चन है, निर्देश अनुसार धातुओं के उचित रूप लिखिए। पहला वाला है पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसका आंसर है पठती। सेकंड वाला है गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसका आंसर होगा गच्छन्ती। थर्ड वाला है खेल धातु मध्यम पुरुष द्विवचन, तो इसका हो जाएगा खेलतः। फोर्थ वाला है हस धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, तो इसका हो जाएगा हस्त। फिफ्थ वाला है ब्रह्म धातु उत्तम पुरुष बहुवचन, तो इसका हो जाएगा ब्रह्माम। फोर्थ वाला है निम्न तालिका को पूरा कीजिए, तो इसका पुरुष है पहला वाला प्रथम पुरुष, एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छन्ति, फिर मध्यम पुरुष गच्छसि गच्छतः गच्छत, उत्तम पुरुष में गच्छामि गच्छाव गच्छामः। फिफ्थ वाला है नीचे लिखे वाक्यों को उचित क्रियापदों से पूरा कीजिए। तो पहला वाला है सा लिखती यानी कि वह लिखती है। सेकंड वाला है त्वम नमसि यानी तुम नमस्कार करते हो। थर्ड वाला है वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। फोर्थ वाला है आवाम वदावः हम दोनों बोलते हैं। फिफ्थ वाला है तो धावतः वे दोनों दौड़ते हैं। सिक्स्थ वाला है मंजुषा से उचित कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला वाला है पुष्पाणी विकसन्ति फूल खिलते हैं। सेकंड वाला है आवाम धावावः हम दोनों दौड़ते हैं। थर्ड वाला है युवाम पिबतः तुम दोनों पीते हो। फोर्थ वाला है सा तिष्ठति। फिफ्थ वाला है तुम लिखसी तुम लिखते हो।